की सेक्शन 181 की क्लॉज 2 को आगे बढ़ाऊंगा। क्लॉज 1 हमने पहले वीडियो में पढ़ी, क्लॉज 2 दो ऑफेंसेस से रिलेटेड है। इन ऑफेंसेस को मैंने इस कॉलम में दिखाया है और इन ऑफेंसेस की इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन किन किन प्लेसेस पर चल सकता है वो मैंने इस कॉलम में दिखाया है। ये टेबुलर फॉर्म में मैं आपको इसलिए बनाता हूं कि वो आपको समझने में आसानी हो जाए और क्लियर पिक्चर आपके समझ में आ जाए, जिससे कि आप अपना आंसर अच्छे से किसी को बता सकें, किसी कोर्ट को अच्छे से समझा सकें और किसी इंटरव्यू में भी अच्छे से बता सकें। तो अभी देखते हैं 181 क्लॉज 2 सीआरपीसी, जो दो ऑफेंसेस की बात करती है। पहला ऑफेंस है किडनैपिंग का और दूसरा ऑफेंस है एबडक्शन का। किडनैपिंग को हिंदी में व्यपहरण कहते हैं, एबडक्शन को हिंदी में अपहरण कहते हैं। तो किडनैपिंग की डेफिनेशन दोस्तों आप देखें तो 360 आईपीसी एंड 361 आईपीसी में आपको मिलेंगी। तो किडनैपिंग का ऑफेंस उन हर कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जा सकता है जहां पर वो किडनैपिंग हुई, नंबर एक बात। नंबर दो, किडनैपिंग होने के बाद उस किडनैप्ड पर्सन को जहां पर ले जाया गया, कन्वेड किया गया। नंबर तीसरी बात, जहां पर उसको कंसील करके रखा गया, छिपा के रखा गया, या फिर जिसको जहां पर डिटेन किया गया। तो यहां पे किडनैप तो तभी कंप्लीट हो जाता है जब आप 359, 360 एंड 361 पढ़ेंगे। तो जैसे ही लॉफुल गार्जियनशिप की कस्टडी से बाहर जाता है पर्सन, उसी समय किडनैपिंग कंप्लीट हो जाती है। तो जहां पर लॉफुल गार्जियनशिप की कस्टडी से उसको लिया गया, उस प्लेस पर भी अधिकारिता रखने वाले कोर्ट के ट्रायल चल सकता है किडनैपिंग का। या जहां पर्सन को ले जाया गया, कन्वे किया गया, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले कोर्ट में इंक्वायरी ट्रायल चल सकता है। और जहां पर कंसील करके रखा गया, कंसीलमेंट के लिए सेक्शन 368 आईपीसी है और उस पर्सन के ऊपर लगेगी जिस पर्सन ने किडनैप्ड पर्सन को या एबडक्टेड पर्सन को कंसील करके रखा है। लेकिन ध्यान रखना, ये कंसील करने वाले के ऊपर दोस्तों किडनैपिंग की सेक्शन नहीं लगेगी। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है। इसी तरीके से एनी ऑफेंस ऑफ एबडक्शन ऑफ अ पर्सन, वो कहां इंक्वायरी की जा सकती है? एबडक्शन के ऑफेंस की, अपहरण के ऑफेंस की कहां ट्रायल किया जा सकता है? तो उसके लिए भी दोस्तों चार प्लेसेस हैं। नंबर एक, जिस प्लेस पे किसी पर्सन का एबडक्शन हुआ। एबडक्शन आपने देखना है, अपहरण अगर आप देखना है तो 362 देख लें, वहां पे डेफिनेशन दी है आईपीसी की, और 364 में आपको पनिशमेंट मिलेगी। या फिर जहां पे एबडक्शन हुआ वहां पे भी इंक्वायरी और ट्रायल चल सकता है, या फिर एबडक्शन करने के बाद जहां ले जाया गया, कन्वे किया गया, जहां पे छिपा के रखा गया, फिर वही 368 आईपीसी वाला, या फिर जहां पे डिटेन करके रखा गया। थोड़ा डिटेन एंड कंसीलमेंट में कुछ कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है, तो आप इसको ऐसे समझ लें कि सभी कंसीलमेंट में डिटेंशन होगी, लेकिन सभी डिटेंशन में कंसीलमेंट जरूरी नहीं है। जब जब कंसीलमेंट की बात होगी तो वहां सीक्रेसी जरूरी है, सीक्रेटली इसको रखा गया हो अबडक्टेड पर्सन या किडनैप्ड पर्सन को। लेकिन जब डिटेन की बात आएगी तो वहां सीक्रेसी कोई जरूरी नहीं है। डिटेन ओपनली भी किया जा सकता है, लेकिन कंसीलमेंट हमेशा सीक्रेटली होता है। तो कहीं कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से आप उसे समझ लेना। इसके लिए मैं इसको ब्रीफ कर दूं तो सेक्शन 181 क्लॉज 2 सीआरपीसी में दो ऑफेंसेस की बात की गई है। ध्यान रखना दोस्तों, दो ऑफेंसेस के इंक्वायरी और ट्रायल को चेक करना है 181 की क्लॉज 2, और वो दोनों ऑफेंसेस कौन से हैं? किडनैपिंग एंड अपहरण, एबडक्शन। और किसी ऑफेंस को चेक नहीं किया जा रहा। इसीलिए जहां जहां जब जब किडनैपिंग के, एबडक्शन के ऑफेंस के ट्रायल और इंक्वायरी की बात आएगी तो इनका ट्रायल और इंक्वायरी वहां चल सकता है जहां पर ये कंसीलमेंट का ऑफेंस हुआ हो, जहां पे ये डिटेंशन का ऑफेंस हुआ हो।
जहां पे ये कन्वेड का ऑफेंस हुआ हो। लेकिन जब इनके इन ऑफेंसेस के ट्रायल की बात आएगी तो वो वहां पे नहीं चलाया जा सकता जहां पर किडनैपिंग हुई हो, जहां पर एबडक्शन हुआ हो, उल्टा नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए एक एग्जांपल है, केस का नाम है बदलू शाह वर्सेस एम्परर और साइटेशन है इसकी ILR 46 अलाहाबाद 138। बदलू शाह वर्सेस एम्परर का वो जो केस है, इसमें क्या हुआ कि दो पर्सन हैं ए एंड बी, इन्होंने एक गर्ल को किडनैप किया और किडनैप किया इन्होंने बदायूं से, यूपी का एक शहर है बदायूं, वहां से इन्होंने किडनैपिंग की और किडनैपिंग करके इसको ले गए एटा, यूपी का ही एक और सिटी है, किडनैप करके इसको ले गए एटा, जहां पर सी और डी मिले इनको, दो पर्सन और मिले जिनके हेल्प से ए बी सी एंड डी ने इस किडनैप गर्ल को कन्फाइन करके रखा, कंसील करके रखा एटा में। फिर ये चारों लोग इस गर्ल को लेके गए करनाल हरियाणा में, जहां पर इन्होंने फोर्स किया उस किडनैप गर्ल को ई से शादी कराने के लिए। तो कितने करेक्टर इसमें हैं, ए एंड बी जिन्होंने किडनैपिंग बदायूं से की, सी एंड डी जिनके पास किडनैप गर्ल को ले जाया गया एटा में, फिर ई जो करनाल में था जिसने शादी करनी थी इस किडनैप गर्ल से। तो यहां पे ए एंड बी ने कौन कौन से ऑफेंस किए, किडनैपिंग का ऑफेंस किया 366 आईपीसी, साथ में 368 आईपीसी का भी ऑफेंस किया। सी एंड डी ने केवल 368 आईपीसी का ऑफेंस किया, इन्होंने किडनैपिंग नहीं करी थी क्योंकि किडनैपिंग तो बदायूं में ही कंप्लीट हो गई थी, इसलिए इसने 368 का ऑफेंस किया सी एंड डी ने, वो किया एटा में कंसील करके रखने का। और ई ने ना तो कंसील करके रखा ना ही किडनैपिंग करी, इसने फोर्स किया केवल लड़की को मैरी करने के लिए अपने आप से, तो इसने ऑफेंस किया 366 आईपीसी का, वो करनाल में किया। तो लैंग्वेज समझना 181 क्लॉज 2 की, वो कहती है एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग ऑफ अ पर्सन मे बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हूज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द किडनैपिंग वाज कमिटेड, द किडनैप पर्सन वाज कन्वेड, द किडनैप पर्सन वाज कंसील्ड, द किडनैप पर्सन वाज डिटेन्ड। तो यहां पे जो इन्होंने ए एंड बी ने किडनैपिंग की उसका ट्रायल इन चार जगह में से कहीं भी चल सकता है, मींस ए एंड बी के अगेंस्ट अगर केवल किडनैपिंग का ट्रायल चलाना हो तो वो बदायूं में भी चल सकता है, वो एटा में भी चल सकता है, वो करनाल में भी चल सकता है। लेकिन उल्टा सी एंड डी जिन्होंने किडनैपिंग नहीं की, केवल कंसील करके रखा था एटा में, 368 का ऑफेंस है, इसका इंक्वायरी एंड ट्रायल को चेक करना है कि कहां कहां चल सकता है, तो क्या बदायूं में चल सकता है इसका ट्रायल, नहीं चल सकता, रिवर्स नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर ट्रायल की बात कर रहे हैं केवल किडनैपिंग की एंड एबडक्शन की। तो इसने तो किडनैपिंग की नहीं, इसने एबडक्शन किया नहीं, इसने तो केवल कंसीलमेंट किया था। 368 आईपीसी का अगर ट्रायल सी एंड डी के खिलाफ चलाना हो तो वो कहां चल सकता है, एटा में। और अगर ई के खिलाफ 366 आईपीसी का केस चलाना हो तो वो कहां चल सकता है, वो चल सकता है करनाल में, ना कि उसके खिलाफ एटा में चलेगा ना बदायूं में चलेगा। तो ये सेक्शन इधर से यहां जा सकती है लेकिन रिवर्स नहीं आती है। तो ये थी सेक्शन 181 क्लॉज 2 और इसकी क्लॉज 3 हम नई वीडियो में देखेंगे जो अभी आपको यहां पे दिखाई दे रही है। आप इस वीडियो को क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी क्लॉज 3 181 CRPC। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।